हाइवे इंजीनियरिंग की क्लास में आज की जो क्लास है वो हाईवे इंजीनियरिंग की क्लास है हमारी। क्या है? हाईवे इंजीनियरिंग पर डे हम लोग 10 बजे हाईवे इंजीनियरिंग की क्लास हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। हाईवे इंजीनियरिंग क्या है, जिसमें हम लोग बता दिए हैं लास्ट क्लास में, और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। क्या पढ़ेंगे आज हम? ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन क्या है? वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से, ताकि सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन आज हम हाईवे में सीखेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसको हम हिंदी में ज्यामितीय रूपरेखा बोलते हैं। जिसको हम लोग ज्यामितीय रूपरेखा बोला जाता है, रूप रेखा, ज्यामितीय रूप रेखा। तो हाईवे इंजीनियरिंग में जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है वो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि हाईवे इंजीनियरिंग का ज्योमेट्रिक कैसे, ज्यामितीय डिज़ाइन कैसे किया जाता है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। विनीत गौतम जल्दी जुड़िए, फिर हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सभी को वीडियो शेयर कर दी है। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन काफ़ी अच्छा टॉपिक है हाईवे में, ज्यामितीय डिज़ाइन। प्रशांत चौहान गुड मॉर्निंग, विनीत गौतम गुड मॉर्निंग। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ जाइए। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन आप समझते हैं कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन क्या होता है? देखिए, हाईवे में जो हाईवे इंजीनियरिंग है वो एज ए ब्रांच है हमारी सिविल इंजीनियरिंग की, जिसमें हम लोग रोड के जितने भी रूपरेखा होती है उसको तैयार किया जाता है। ठीक, अब हम ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में जितनी भी जो रोड्स होते हैं, रोड्स उनका अलाइनमेंट, अलाइनमेंट कैसे करना है, सुपर एलिवेशन, सररेख बोलते हैं, सुपर एलिवेशन को बहुत्थान बोला जाता है। ठीक है, डिजाइन स्पीड, कर्व, ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट हो गए हमारे। तो ये सब क्या है, इन सब की अच्छे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, और जिनको अच्छे से अपने हाईवे इंजीनियरिंग में जो रोड है उसके लिए डेवलप करना, कि अच्छे से अच्छे जो अलाइनमेंट है वो कैसा दिया जाए, सुपर एलिवेशन है वो कहाँ पर और किस जगह दी जाएगा, और डिज़ाइन स्पीड की जो डिज़ाइन स्पीड है वो कितनी रखी जाएगी, कर्व क्या है, ग्रेडियंट क्या है, पेमेंट क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग ज्योमेट्रिक रूपरेखा के अंदर पढ़ते हैं। ठीक, इसीलिए क्या है, जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है या जो जिसे ज्यामितीय रूपरेखा होती है उसको हम लोग बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर जो है हमारा पूरा जो हाईवे रोड्स हैं वो डिपेंड है। बात समझ में आई कि नहीं, सभी लोग बताइए। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन या ज्यामितीय रूपरेखा, हाँ ये चैप्टर है, ये चैप्टर है आपका। सर जी, मैं आपका ग्रुप में ज्वाइन होना चाहिए। गुड मॉर्निंग।
आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। देखो वीडियो के जैसे ही हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आओगे तो वहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख रखा है, व्हाट्सअप नंबर है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, जिससे चाहो आप लोग उससे जुड़ सकते हो, व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन समझ लीजिए, ये चैप्टर है। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन क्या होता है? ये वो ऐसा डिज़ाइन या ऐसी रूपरेखा जिससे कि हम लोग जो हाईवे इंजीनियरिंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोड कनेक्ट कर सके, और उसमें कैसा अलाइनमेंट है, रोड विड्थ कितनी है, पेमेंट किस टाइप की बनाना है, सुपर एलिवेशन क्या, ग्रेडियंट कैसे देना है, ये सारी जो है चीज़ हम लोग किसमें ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में सीखते हैं। कैम्बर है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, कर्व है, शोल्डर है, ठीक है, मार्जिन है, इन सबको हम लोग इनकी स्टडी करते हैं। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में क्या करेंगे, इन सभी की अच्छे से स्टडी करते हैं ताकि इन्हें जो है हम लोग बेहतर से बेहतर बना सकें। सभी को समझ में आया? साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं? सभी को दिखाई दे रहा है? गुड मॉर्निंग, दिखाई दे रहा है सभी को? जल्दी से बताइए, सभी को दिखाई दे रहा है? यस स्टूडेंट्स जुड़ नहीं पाते हैं लाइव क्लास, स्टूडेंट्स बहुत कम जुड़ते हैं। जियो मैट्रिक डिज़ाइन, लाइव क्लास अच्छी नहीं लग रही क्या हाईवे इंजीनियरिंग की? स्टूडेंट्स हाईवे इंजीनियरिंग की क्लास अच्छी नहीं लग रही क्या? जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है उसको हमने मेन तीन भागों में डिवाइड कर दिया है। किसमें? तीन भागों में ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन। सर मैं आपके प्रशांत चौहान, ऐड हो जाइए ग्रुप में, ऐड हो जाइए, जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप नंबर भी है, आप आसानी से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। जुड़ जाओगे तो ये फ़ायदा होगा, अगर आप एक रजिस्ट्रेशन हमसे करा लोगे तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको पर डे PDF है, चाहे वो इरिगेशन की हो, सर्वेइंग की हो और आपका हाईवे इंजीनियरिंग की हो, पर डे आपको एक PDF मिलती रहेगी। प्रोफाइल, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन डिवाइडेड इनटू मेन थ्री पार्ट्स, मुख्य तीन भागों में इसको डिवाइड किया है। पहला है प्रोफाइल है हमारा, दूसरा है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट एंड थर्ड है क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। ये बात समझ में आई सभी को कि जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है या ज्यामितीय रूपरेखा है उसको हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया है? तीन भागों में, प्रोफाइल, अलाइनमेंट, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। गुड मॉर्निंग पीयूष तोमर, गुड मॉर्निंग। तो अब समझिए कि प्रोफाइल क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है और उसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए जो प्रोफाइल है वो टोटल पता लगेगी कि उसकी जो हमारी रोड हम लोग तैयार कर रहे हैं उसकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए। क्या है प्रोफाइल? जैसे स्लोप, वर्टिकल कर्व, स्लोप हो गया, वर्टिकल कर्व हो गया, ठीक है। इन सब की जो स्टडी वो प्रोफाइल में आती है। अलाइनमेंट में क्या होगा? एडजस्टमेंट, स्ट्रेट लाइन या सेंटर लाइन, एडजस्टमेंट द स्ट्रेट लाइन और सेंटर लाइन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी को? एक बार प्लीज हमें रिप्लाई कीजिए, सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से?
कि जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है उसको हमने तीन पार्ट्स में, मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले है प्रोफाइल, फिर दूसरा अलाइनमेंट और तीसरा है क्रॉस सेक्शन। ये जो है वो मेन पार्ट्स होते हैं हमारे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के। सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिए, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। ठीक है, स्लोप, वर्टिकल, अलाइनमेंट क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन और सेंटर लाइन। देखिए जो अलाइनमेंट होता है वो हमारा जो सेंटर लाइन होती है या फिर जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, समझ लीजिए कैसे एडजस्ट किया जाएगा। अलाइनमेंट क्या है कि आप एक स्ट्रेट लाइन चल रहे हो, ये स्ट्रेट चल रहे हो, फिर क्या है आपको क्या किसी इधर इस साइड जाना है, क्या जाना है, इस साइड आपको जाना है, तब आप क्या करोगे कि एक अलाइनमेंट हमारा यहाँ से इस टाइप की। तो क्या किया हमने, जो इसकी सेंटर लाइन थी ये क्या है, एक सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन को हमने एडजस्ट किया किधर, अदर डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो अलाइनमेंट में क्या है, अलाइनमेंट का मेन जो मकसद होता है वो एडजस्टमेंट द स्ट्रेट लाइन या सेंटर लाइन, सेंटर लाइन को एडजस्ट करना ही अलाइनमेंट कहलाता है। जितनी भी हमारी रोड की जो सेंटर लाइन होती है उसको एडजस्ट करना क्या कहलाता है, अलाइनमेंट कहलाता है। सभी को समझ में आया, एक बार ज़रूर बता दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट सभी को समझ में आया, जल्दी से बताइए एक बार, सभी को समझ में आ गया है? नहीं, यस सर, जल्दी से रिप्लाई किया करो सभी स्टूडेंट, जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रॉस सेक्शन समझते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं वो आप लोग नोट करते चले ये। ठीक है, अब जैसे स्लोप है, वर्टिकल कर्व है, स्लोप क्या होता है यहाँ समझ लीजिए। स्लोप, स्लोप हम लोग कब देते हैं, जब हम लोग या तो राइज अप से डाउन जाएंगे तब हम लोग स्लोप देते हैं। क्या करेंगे, अप से डाउन की तरफ तब स्लोप प्रोवाइड कराएंगे, या फिर डाउन से अप की तरफ तब हम लोग क्या स्लोप देंगे। आप समझ लीजिए जो स्लोप होता है, हॉरिजेंटल कर्व और वर्टिकल, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। हॉरिजेंटल कर्व क्या होता है, जैसे ये है, ये रोड जा रही है कोई, ये हमारी क्या है रोड है, इसी रोड पे क्या है इस तरह से घूम के कोई आ जाता है, समझिए। हॉरिजेंटल कर्व क्या होगा, ये रोड है इसी रोड पे ऐसे घूमेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो हॉरिजेंटल कर्व कहलाएगा। और वर्टिकल कर्व क्या होंगे, वर्टिकल कर्व इस तरह से, ये इस तरह से हो गया, इस तरह जब ऐसे के जाओगे ये इस तरह से, ये स्ट्रेट लाइन हो गई जब आप इस तरह से जाओगे तो ये वर्टिकल कर्व कहलाता है, चाहे ये कर लीजिए चाहे इस तरह से, तो ये कैसे क्या कहलाएंगे, ये वर्टिकल स्लोप कहलाएंगे। सर स्लोप क्यों देते हैं, स्लोप इसीलिए देते हैं ताकि हम लोग अप टू डाउन और डाउन टू अप इजीली मूवमेंट कर सकें। स्लोप मेनली प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स अप टू डाउन या डाउन टू अप, मतलब क्या है इसका सीधा सीधा, स्लोप और ढाल देने का एक मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी जो व्हीकल्स हैं वो अप से मतलब ऊपर से नीचे की ओर अच्छे से मूवमेंट कर सकें और नीचे से ऊपर की तरफ को अच्छे से मूवमेंट कर सकें। समझ में आया, स्लोप, स्लोप क्या है, चमक पड़ रही है, स्लोप समझ में आया, सभी लोग बताइए एक बार, स्लोप, ढाल जिसे कहते हैं, ढाल समझ में आ गई, जी सर, जी सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। वर्टिकल कर्व आप समझिए, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये जो रोड है इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है, ये क्या है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये जो रोड है इसका
ये लंबाई की दिशा में जो हम चल रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, कौन सा है? इधर क्रॉस सेक्शन समझे बहुत अच्छी तरीके से। ये रोड है, ठीक है, ये क्या है, इस तरह से इस डायरेक्शन में ये लॉन्गिट्यूडनल है, लेकिन अगर इस डायरेक्शन की बात की जाए एक्स एक्स की, ये तो ये क्या है, हमारा क्रॉस सेक्शन होगा। क्या होगा? ये क्रॉस सेक्शन होगा। अब क्रॉस सेक्शन का मेन मकसद क्या होता है कि जो क्रॉस सेक्शन के अंदर आते हैं आपके, पहला है नंबर ऑफ व्हीकल, मतलब जितने भी जो हमारे व्हीकल्स हैं उनकी संख्या क्या है। दूसरा है पेमेंट स्ट्रक्चर, दूसरा क्या है, पेमेंट स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ व्हीकल्स और पेमेंट स्ट्रक्चर मतलब कि जो क्रॉस सेक्शन है, जैसा कि हमने अभी बताया था आपको, ये जो है रोड का, ये लॉन्गिट्यूडनली होता है। अगर इसको एक्स एक्स में अगर यहाँ से हम लोग काट दें ये, तो इस पोर्शन से जब हम देखेंगे ये जो है वो कैसा होगा, वो क्रॉस सेक्शन होगा। क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, आपका नंबर ऑफ व्हीकल कि जो क्रॉस सेक्शन है इसका वो किस पर्पज से रखा जाएगा, किस पर डिपेंड होगा, वो नंबर ऑफ व्हीकल्स कि जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं वो एक घंटे में कितने व्हीकल्स आ रहे हैं और कितने व्हीकल्स जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारा रोड है ये पूरा, इसमें एक घंटे में इधर से उधर कितने व्हीकल्स गए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्रॉस सेक्शन डिसाइड करते हैं कि रोड का जो क्रॉस सेक्शन है या जो रोड की जो चौड़ाई है वो कितनी रखी जाएगी, ठीक है। अगला है पेमेंट स्ट्रक्चर, आपके जितने भी हमारे जो व्हीकल्स मूवमेंट होते हैं, मान लीजिए बड़े से बड़े और हैवी से हैवी जो व्हीकल हैं और वो मूव कर रहे हैं, तब हमें जो पेमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो डिजाइन करेंगे कि पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो ये बताइए आप लोगों को ज्योमेट्रिक डिज़ाइन आपको समझ में आया, प्रोफाइल क्या है, अलाइनमेंट क्या है, क्रॉस सेक्शन क्या है, ठीक है, जल्दी से बताइए, सभी को समझ में आ गया, जल्दी बताइए, सभी को समझ में आ गया, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ज्योमेट्रिक डिजाइन के अंदर हमारा बंटी यादव, यस, समझ आ गया सर। स्टूडेंट्स लाइव क्लास में जुड़ नहीं पाते हैं, सभी लोग लाइव क्लास में जुड़े, सभी से कहो कि लाइव क्लास में ज्यादा से ज्यादा जुड़े। आप समझिए ज्योमेट्रिक डिजाइन में हमारे कौन कौन सी जो टर्म्स होती हैं वो आती हैं, ठीक है। तो हम अगर बात करें पेमेंट की, किसकी, पेमेंट जिसे सड़क बोलते हैं, क्या, सड़क। ज्योमेट्रिक डिजाइन में हमारा क्या आता है, एक सड़क या जो पेमेंट होती है, पेमेंट भी आता है, उस पेमेंट को हमने डिवाइड कर देते हैं कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में, एक होता है रिजिड पेमेंट, रिजिड पेमेंट, और दूसरा है फ्लेक्सिबल पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट। बात समझ में आ रही है, ज्योमेट्रिक डिजाइन के अंदर पेमेंट आता है, जो सड़क आती है उस सड़क को हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, रिजिड पेमेंट और दूसरा फ्लेक्सिबल पेमेंट। अब बताइए कि रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट कौन कौन से होते हैं, यहाँ समझ लीजिए। जो है रिजिड पेमेंट कौन से होते हैं और फ्लेक्सिबल पेमेंट कौन से होते हैं, देखिए रिजिड पेमेंट जो होते हैं मेड बाय सीसी, सीसी का मतलब होता है सीमेंट कंक्रीट,
सीमेंट कंक्रीट, रिजिड पेमेंट सीमेंट कंक्रीट के बने होते हैं, लॉन्ग लाइफ होते हैं। रिजिड पेमेंट कैसे होती हैं, दृढ़ सड़क बोलते हैं इसे, दृढ़। हिंदी में से दृढ़ सड़क बोलते हैं, इसको बोलते हैं लचीली सड़क या नम्य, क्या बोलते हैं, नम्य बोल देते हैं, सॉरी लचीली सड़क या दम्य सड़क, ठीक है। ये क्या है, लॉन्ग लाइफ चलती है, मेंटेनेंस कॉस्ट वेरी हाई, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है वो काफी हाई होती है। समझ में आ रहा है ना सभी को, पेमेंट सड़क एक रिजिड होती है जिसको दृढ़ पेमेंट बोलते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है जिसे हम लोग अभी पढ़ेंगे। फ्लेक्सिबल पेमेंट कौन सी पेमेंट होती है, जो कि सीमेंट कंक्रीट से बनाई जाती है, समझ में आ रहा है। रिजिड पेमेंट वो पेमेंट होती है जिसे सीमेंट कंक्रीट द्वारा बनाया जाता है। इसकी जो लॉन्ग लाइफ क्या होता है, ये बहुत लंबे समय तक चलती है। दूसरा है मेंटेनेंस कॉस्ट हाई, इसकी जो लागत है मतलब अनुरक्षण जो लागत है वो ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल पेमेंट। अब समझ लीजिए फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है, मेड बाय बिटुमन, ये बिटुमन की बनी होती है। फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या है, फ्लेक्सिबल पेमेंट बिटुमन की बनी होती है। इसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, किसका, जितनी भी आपको रोड जो मिलेंगी वो ब्लैक कलर में, जितनी रोड्स होती हैं उनको हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट में डालते हैं, और जो हल्के भूरे कलर की जो होती हैं उनको हम लोग रिजिड पेमेंट में डालते हैं, जो कि सीमेंट कंक्रीट से बनाई जाती हैं, मेड बाय बिटुमन। ये जो होती हैं वो हमारी बहुत जल्दी बन जाती हैं, ये जो होती हैं वो कैसे बहुत जल्दी बन जाती है, इसमें जो है ट्रैफिक को रोका नहीं जाता, लेकिन जब रिजिड पेमेंट बनती है तो ट्रैफिक को स्टॉप कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, ट्रैफिक को स्टॉप कर दिया जाता है, लेकिन फ्लेक्सिबल पेमेंट में ट्रैफिक को स्टॉप नहीं किया जाता, ठीक है। अगला है मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी लो, मेंटेनेंस कॉस्ट लो, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो कैसी होती है, वो लो होती है, कम होती है, ये जो है जल्दी बन जाती है, समझ में आ रहा है। ये क्या होती है, लॉन्ग लाइफ, इससे कम लाइफ की होती है, इसकी लाइफ होती है, लाइफ इज शॉर्ट एज कंपेयर टू रिजिड, ठीक है। इसकी जो लाइफ होती है वो कैसी होती है, वो शॉर्ट होती है रिजिड के अपेक्षा। अब बताइए जो सड़क है हमारी वो समझ में आई आपको, कि सड़क क्या होती है, पहले तो सड़क समझ लीजिए। सड़क क्या है, सड़क एक ऐसा पथ या रास्ता होता है जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। सभी को समझ में आ गया अच्छे से, सभी प्रत्येक चीज़ को अच्छे से नोट करते चले, प्रत्येक चीज़ को अच्छे से नोट करते चले। अगर सभी को समझ में आ गया होगा तो आ गया हो तो एक बार अपने नाम कमेंट कर दीजिए जल्दी से। विनीत सर, टू टाइप्स की होती हैं, यस एकदम अच्छे से है, सभी लोग कमेंट करें ताकि आप सभी के नाम हमें याद रहें।
सभी लोग कमेंट करते रहे ताकि आप सभी के नाम याद रहे हमें। सभी लोग कमेंट करते हैं ताकि आप सभी के नाम जो हैं वो हमें याद रहें। ठीक है, तो यहाँ आप सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए हाईवे इंजीनियरिंग की जो क्लास है वो बहुत अच्छी क्लास है, और अगर आप ऐसे लॉकडाउन में लाइव क्लास अगर आपको मिल रही है तो ये समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को लाइव क्लास मिल रही है। अदरवाइज तो ऐसे लॉकडाउन में लाइव क्लास कहीं पर भी नहीं चल रही है। तो जितना भी डाउट है आप सभी का, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो और लाइव क्लास में। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हमारा पेमेंट हम लोग पढ़ ली अब पढ़ते हैं कर्व, शॉर्ट में पढ़ेंगे, थोड़ा हम लोग डीपली में तो आगे पढ़ते रहेंगे। सर आरसीसी की स्टार्ट कब करेंगे? आरसीसी की क्लास भी जल्दी स्टार्ट करेंगे, लेकिन टाइम हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि क्या टाइम डिसाइड किया जाए ताकि आप लोगों को आरसीसी क्लास भी लेके आई जाए। आरसीसी की क्लास 10 से 11 बजे अगर रखी जाए तो कैसा रहेगा, जल्दी से बताइए। अगर आरसीसी की क्लास जो है वो 10 से 11 अगर रखी जाए तो सभी लोग जुड़ सकते हैं, बताइए जल्दी से। अगर आरसीसी की क्लास है वो रात 10 बजे से 11 बजे अगर चलाई जाए तो कैसा रहेगा, सही रहेगा? अनु कश्यप जी, रात में कभी भी रख। ओके सर, टाइम ठीक रहेगा, नींद तो नहीं आती है 10 बजे के बाद? कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बहुत नींद बहुत आती है। नहीं सर, बढ़िया रहेगा जी सर, सही है। ठीक है, तो हम लोग यही टाइमिंग डिसाइड करेंगे 10 से 11 बजे तक। ठीक है, अब आप कर्व समझिए। कर्व को हिंदी में वक्र बोलते हैं। क्या हिंदी में वक्र बोला जाता है? ठीक, कर्व को हिंदी में क्या बोला जाता है? वक्र बोला जाता है। अब समझिए कि वक्र जो है वो कब और क्यों दिए जाते हैं। मान लीजिए हमें जब भी कभी हम अपने व्हीकल से मूव करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं, एक कॉल आ रही है, जरा उसे डिस्कनेक्ट कर दें। अरे नहीं आती नींद सर, आप स्टार्ट करिए। अच्छा अच्छा ठीक है, तो जल्दी स्टार्ट करेंगे। अगर आपको नींद नहीं आती है तो हम पक्का स्टार्ट कर देंगे, वरना हम तो यही सोच रहे थे कि अगर आरसीसी की क्लास जो है वो 10 बजे से अगर 11 बजे चलाई जाए तो हमारे आधे स्टूडेंट जो है वो नींद वीडियो चलती रहेगी और सोते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कर्व सीखते हैं। कर्व क्या होता है? देखिए हम कभी भी जितना भी हम जो व्हीकल्स होती है वो मूव करते हैं, व्हीकल्स तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा स्ट्रेट में ही करते हैं। क्या करेंगे, स्ट्रेट थोड़ी चलते हैं, कभी कभी क्या होता है हम लोग इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में भी आना रहता है। तो कर्व क्या होता है? कर्व चेंज द डायरेक्शन ड्यूरिंग द मोमेंट बाय द व्हीकल, चेंज द डायरेक्शन ड्यूरिंग द मोमेंट बाय द व्हीकल्स। व्हीकल के द्वारा जब हम डायरेक्शन को मूवमेंट करते समय, अपने व्हीकल से मूवमेंट करते समय डायरेक्शन चेंज करते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है? कर्व कहा जाता है। तो लिख लीजिए, चेंज द डायरेक्शन
ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑन रोड लिख लीजिए, ऑन रोड वाई द व्हीकल, ठीक है, ये पॉइंट लिख लीजिए। कर्व क्या होता है, चेंज द डायरेक्शन ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑन द रोड, कि सड़क पर, लिख लिया सभी ने, जब हम सड़क पर मूवमेंट करते हैं अपने व्हीकल के द्वारा, तब हम जो है वो डायरेक्शन को चेंज करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन को चेंज करते समय हम क्या कर प्रोवाइड करते हैं, बात समझ में आ रही है? यस, व्हाट आर द रियल बेनिफिट्स फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ द मेंबरशिप। देखिए, ज्वाइनिंग ऑफ द मेंबरशिप इज द मोर बेनिफिट्स लाइक दैट लाइव वीडियोज, पर्सनल लाइव वीडियोज एंड PDF, प्रोवाइड द PDF एवरी सब्जेक्ट एंड एवरी क्लास, क्लास बाई क्लास एंड डेली। ज्वाइन होने से आप सभी को बहुत फ़ायदा होता है। देखिए, ज्वाइन होने से क्या होगा, जितनी भी जो क्लासेस की PDF होती हैं बहुत अच्छे तरीके से हम लोग तैयार करते हैं, तो वो आपको डेली उसमें मिल जाएंगी। और क्या होता है, अगर आप पर्टिकुलरली अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, पर्टिकुलरली कोई ज्वाइन करना चाह रहे हो किसी भी सब्जेक्ट को, तो आप कर सकते हो। उसमें क्या होता है, अगर आप का कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, आप चाहते हैं कि सर इस पे वीडियो बनाइए, तो हम क्या है एक पर्सनली वीडियो बनाते हैं। जरा एक मिनट रुकिए, अभी बस एक मिनट नहीं, मात्र 5 सेकंड के लिए बस रुकिए, मैं अभी आया और अभी आया। थोड़ा मिस फिर से थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो ये बताइए आप लोग, आवाज ठीक आ रही है सभी को? तो कर्व समझते हैं, ये हमारा रोड है जो कि हम स्ट्रेट चल रहे हैं, ठीक है। अब स्ट्रेट से क्या होगा, हमें इस डायरेक्शन में आना है, किस डायरेक्शन में आना है, इस डायरेक्शन में आना है, किस डायरेक्शन में आना है, इस डायरेक्शन में आना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक कर्व प्रोवाइड करा देंगे, क्या प्रोवाइड करा देंगे, कर्व प्रोवाइड करा देंगे। ये क्या होता है, यहाँ से और यहाँ तक, ये जो है ये डिस्टेंस कहलाती है कर्व, क्या कहलाएगी, कर्व कहलाएगी, ठीक है, क्या कहलाती है सर, हिंदी में भी बताते रहो, हिंदी में भी बता रहे हैं, ठीक है। अब ये बताइए, यहाँ से ये हमारा कहलाता है कर्व कहलाएगा, ठीक। जब एक दिशा में दूसरी दिशा में जाने के लिए जब दिशा परिवर्तन होता है, तब हम लोग वहाँ पर कर्व प्रोवाइड करते हैं, रोड, ठीक है। अब कर्व क्यों प्रोवाइड करते हैं, सभी लोग ध्यान से सुने, अगर आपसे पूछा जाए कि कर्व क्यों प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, देखिए अब हम बताते हैं उसका बेनिफिट्स क्या है कर्व प्रोवाइड करने का। अब क्या है, आप अपने व्हीकल्स आए, ठीक है, व्हीकल से आए, आपने जो भी स्पीड होगी हल्की सी करोगे तो इस कर्व से आसानी से उस स्पीड पे मूव कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप तेजी से आए बहुत स्पीड से, और वो डिज़ाइन स्पीड क्या है, आराम से इस कर्व पे जो है इस डायरेक्शन से आप इजीली कर्व के द्वारा अदर डायरेक्शन में जा सकते हो। अब क्या करें, अब अगर मान लीजिए कि यहाँ कर्व प्रोवाइड ना किया गया होता, तब क्या सिचुएशन होती,
तब इस तरह की सिचुएशन हमारी बनती। कैसी सिचुएशन बनती? इस तरह की सिचुएशन बनती ये, ठीक है, इस तरह की। अब क्या होगा कि जो व्यक्ति स्पीड से आ रहा है तो क्या होगा, स्पीड से घूम नहीं पाएगा तो धार से इधर लगेगा, रोड पे तो आ नहीं पाएगा क्योंकि बहुत से बिल्कुल ऐसे चलते हैं स्पीड से जो उन्हें यही पता नहीं होता कि मोड़ पे जो है हमें हल्की करनी है अपनी स्पीड या कितनी स्पीड रखना हो। वो इसी स्पीड से आते हैं और सोचते हैं कि हम मुड़ जाएंगे, तो क्या होता है कि मुड़ते तो नहीं है, इधर चले जाते हैं भड़ाक से। तो इसीलिए क्या होगा कि हम लोग जब भी रोड पर मूव करते हैं तो इस डायरेक्शन से चेंज करने के लिए, दिशा परिवर्तन के लिए हमें कर्व देना आवश्यक होता है। अब क्या होगा कि इस पोर्शन में अगर हम लोग कर्व नहीं देंगे तो इस पोर्शन में बहुत अधिक ट्रैफिक जाम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए ये जो व्हीकल है ये यहाँ पर आने के बाद अपनी स्पीड को हल्के कर लेंगे, ये जो व्हीकल है वो भी यहाँ पर आने के बाद अपनी स्पीड को हल्के कर लेंगे और क्या करें, एक दूसरे से देख देख के ये लोग निकलेंगे। तो यहाँ एक ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि इस पूरी एरिया में बहुत अधिक ट्रैफिक हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ जाम के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सभी लोग ध्यान से समझते रहें कि कर्व क्यों प्रोवाइड किया जाता है, और समझ गए सभी लोग कि कर्व क्यों प्रोवाइड किया जाता है, जल्दी बताइए कर्व क्यों प्रोवाइड किया जाता है, सभी लोग समझ गए, जल्दी बताइए फिर हम लोग अगला टॉपिक। यस सर, जल्दी सभी लोग एक बार, जतिन सैनी और जल्दी, और भी जल्दी जल्दी फटाफट, मोहित, धर्मेंद्र, बंटी, जल्दी, पीयूष, भास्कर सिंह चौहान एक बार, और बताइए जल्दी से फटाफट। और हमेशा याद रखेंगे कि आपको बताया था कि कर्व कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, कर्व जो है स्ट्रेट कर्व। चलिए आगे, कर्व समझ में आ गया सभी को आसानी से मुड़ने के लिए। हाँ, कर्व क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, आसानी से मूवमेंट हो सके, कि हम लोग जो स्पीड आ रही है उसी स्पीड से जो है वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन मूव कर सके, ठीक है। अब हम लोग ज्योमेट्रिक, ये सब किस में चल रहा है, सब ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में चल रहा है, क्योंकि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में ही सारी चीज़ें आती हैं। रोड विड्थ, हम लोगों ने विड्थ पढ़ी है, पेमेंट की जो विड्थ होती है, कोई बताएगा कमेंट करके बताइए प्लीज़ कि रोड विड्थ कितनी होती है, रोड विड्थ। विड्थ ऑफ पेमेंट सिंगल लेन एंड टू लेन, सिंगल लेन एंड टू लेन, सिंगल लेन 2.5, जितने भी बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, मल्टीपल लिख लीजिए, मल्टीपल लेन, जितने भी जो रोड विड्थ अगर बता रहे हैं वो 2.5 मीटर वो रॉन्ग, गलत है। धर्मेंद्र कुमार 3.8 मीटर, और कोई, अंजलि शर्मा, जो आप जो बता रहे हो 2.5 ये गलत है, रोड विड्थ नहीं होती है, ये क्या होता है, शोल्डर होते हैं, क्या होते हैं, 2.5 जो है वो शोल्डर दिए जाते हैं,
ढाई मीटर हमेशा शोल्डर दिए जाते हैं। प्रेरणा 30 मीटर, अरे बेटा ये तो बहुत हो जाएगी 30 मीटर तो। मल्टीपल लेन 3 मीटर, यस। डबल लेन 7 मीटर, ठीक है। जो डबल लेन होती है उसकी 7 मीटर हो जाती है टू लेन की। हमारी सिंगल लेन अगर कोई है तो 3.8 मीटर होगी। अगर मल्टीपल लेन है तो 3 मीटर पर लेन, 3 मीटर की एक लेन होगी। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं ना। सिंगल लेन अगर है वो 3.8 मीटर, और अगर मल्टीपल लेन है तो 3 मीटर पर लेन। एक जो लेन है वो कितने मीटर की होगी, वो 3 मीटर की होगी। तो ये बताइए, ये टॉपिक सभी आपको क्लियर हो रहे हैं कि नहीं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में? सभी लोग बताइए एक बार कि सभी को जो टॉपिक हैं, जैसे अभी पिछले कर्व बताया, उससे पहले दूसरा टॉपिक बताया था, अब ये रोड विड्थ बताइए, सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर, क्लियर है। देखिए जो रोड विड्थ होती है हमारी, सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सभी लोग याद रखेंगे प्रत्येक चीज को। 2.5 मीटर ये बिल्कुल रॉन्ग है। और 2.5 मीटर जो होता है वो शोल्डर होता है, जो रोड के दोनों साइडों में शोल्डर जो दिए जाते हैं, जिन्हें हम बर्म कहते हैं, वो दिए जाते हैं। ठीक है, आप समझिए कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है? क्षमता। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो है वो, जो कैपेसिटी भी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के अंदर आती है कि हम लोग इसका जो वो है किस तरह से कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला है, ये जो कैपेसिटी होती है वो 1000 V/S होता है। 1000 V/S कैपेसिटी क्या होती है? कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ व्हीकल, कैलकुलेट द व्हीकल मोमेंट, व्हीकल मोमेंट इन वन आवर। ठीक है, कैपेसिटी कैसे फाइंड करते हैं समझ लीजिए ध्यान से सभी लोग। कैपेसिटी को कैसे फाइंड करना है? ये हमारा रोड है। अब इस रोड के एक पर्टिकुलर, यहाँ से समझ लेते हैं हम लोग कि एक पर्टिकुलर हमने स्पेस ले लिया है यहाँ से यहाँ तक का। अब इस यहाँ से यहाँ तक जो है जितने भी व्हीकल्स दिस साइड एंड दिस साइड आएंगे, 1 घंटे में जितने भी व्हीकल जो है वो अप और डाउन करेंगे, यहाँ से इधर और इधर से जाने वाले सभी लोग, इस डायरेक्शन में जाने वाले और इस डायरेक्शन में आने वाले सभी को कैलकुलेट करते हैं, तब जाके हमें कैपेसिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, ये क्या है? वी जो है हमारी वो स्पीड होती है, और एस जो है वो स्पेसिंग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती है। वो कैसी होती है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ये व्हीकल है और एक ये व्हीकल है, इसके बीच में हमें इतनी डिस्टेंस रखनी है ताकि अगर ये जो आगे चलने वाला व्यक्ति है वो अपनी बाइक को रोक ले तो हम भी अपनी बाइक को रोक सकें। ऐसा नहीं है कि आगे वाले ने रोक ली और आप पर रुकी नहीं, आपने उसमें भिड़ा दी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इतनी स्पेसिंग रखनी है, तो वही स्पेसिंग हमारी एस कहलाती है। बात समझ में आई सभी को कि 1 घंटे में एक पर्टिकुलर स्पेस में जितने जो व्हीकल्स होते हैं वो आते हैं जाते हैं, सभी की जो कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे सुपर एलिवेशन।
सुपर एलिवेशन, समझिए सुपर एलिवेशन भी ज्योमेट्रिक डिजाइन के अकॉर्डिंग आता है। अब हम समझते हैं कि सुपर एलिवेशन क्या होता है। एक बार और बताओ, क्या कैपेसिटी निकालना, कैपेसिटी जल्दी से टॉपिक का नाम बताइए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ सर, किस चीज़ का कैपेसिटी निकालना। देखिए कैपेसिटी कैसे फाइंड करना है, कैपेसिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर स्पेस में, समझ रहे हो, कोई व्हीकल है, ये हमारे रोड है, किसी भी रोड के एक पर्टिकुलर स्पेस में हम एक डिसाइड कर लेते हैं, एक पॉइंट हमने यहाँ लिया और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ लिया इस पर्टिकुलर स्पेस में, ये पर्टिकुलर स्पेस है। अब इस स्पेस में एक घंटे में जितना ट्रैफिक आएगा और जाएगा, चाहे वो किसी भी टाइप के व्हीकल हो, ऑल टाइप ऑफ व्हीकल्स, हम उन सभी के कैलकुलेट करते हैं। क्या करेंगे, उन सभी का कैलकुलेट करते हैं, फिर जाके हम लोग नंबर ऑफ व्हीकल्स निकालते हैं कि उनकी जो चल रही है उसकी स्पीड अप्रॉक्सीमेट कितनी है, और वो जो है एक व्हीकल ये है और दूसरा व्हीकल ये है, इन दोनों के बीच में स्पेसिंग लगभग कितनी होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग जो है कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं इन द वन आवर। कॉन्सेप्ट क्लियर है कैपेसिटी का। एक घंटे में एक पर्टिकुलर स्पेस में जितने व्हीकल्स डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी जो एस है, ये एस है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब वो कैसे करेंगे, एक फार्मूला है जिसको हम आगे चल के कैलकुलेट करेंगे, वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी एफ, ये फार्मूला होता है। इसमें जो एस निकलती है वहाँ पर हम लोग एल, जो लेंथ है, ये कितनी लेंथ है इसे भी जोड़ देते हैं। एस जो है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्लस लेंथ, ये जो एस आती है यहाँ पर, हमारा फार्मूला क्या था, फार्मूला था कैपेसिटी निकालने का, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए फार्मूला था हमारा कैपेसिटी निकालने का 1000 वी अपॉन एस, ठीक है, ये था फार्मूला। ठीक, यहाँ से अब जो एस है, एस जो निकालेंगे वो हमारा एक फार्मूला है, वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी एफ। यहाँ से हम लोग जो एस निकालते हैं, लेकिन ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती है, एस डी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, अगर प्लस इसमें हम लोग एल जोड़ दें तो उसके बाद ये एस आ जाता है, क्या आएगा, ये एस आ जाएगा। ये क्या है, लेंथ है, क्या है, लेंथ है एक पर्टिकुलर स्पेस की जिसमें हमें अपने व्हीकल को कैलकुलेट करना है। समझ में आया, यहाँ पर जो है वी है वो स्पीड है किलोमीटर प्रति सेकंड, वो मीटर प्रति सेकंड में है, यहाँ भी स्पीड मीटर प्रति सेकंड में है, और ये फ्रिक्शन है, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल है, गुरुत्वाकर्षण कितना, एफ जो है वो फ्रिक्शन है, जी क्या है, वो ग्रेविटेशनल है, ठीक है, एफ जो है वो फ्रिक्शन है, क्या है, फ्रिक्शन है, एफ इक्वल टू फ्रिक्शन, एफ इक्वल टू फ्रिक्शन, और जी जो है आपको पता ही है, फ्रिक्शन, देखिए फ्रिक्शन समझ लीजिए एक बार अच्छे से, फ्रिक्शन यहाँ अगर पॉइंट आया है तो हम लोग इसे भी क्लियर कर देते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते। फ्रिक्शन जो होता है वो घर्षण, अगर कोई पूछा जाए कि घर्षण क्या होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू 15% ली जाती है, कितना परसेंट ली जाएगी, 15%। हमारे हाईवे में जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण जिसे बोलते हैं, ये कितना परसेंट ले लिया जाता है, ये 15% होता है, कितना, 15% लिया जाता है।
अब समझिए घर्षण क्या होता है। मान लीजिए कोई रोड की सरफेस है, क्या है ये रोड की सरफेस है, ये हमारे क्या है टायर हैं, ये टायर है और ये रोड सरफेस है। अब समझिए अगर जो फ्रिक्शन लगेगा वो इन दोनों के बीच में लगेगा। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन जो है वो घर्षण है जो कि टायर और पेमेंट के बीच में डेवलप होता है। जब भी हम अपनी व्हीकल्स को ब्रेक लगाते हैं और ब्रेक दबाते समय गाड़ी रुकती है तो वो किस कंडीशंस में रुकेगी, जब उसके जो पेमेंट है ये सड़क है, ये सड़क है और ये जो है वो व्हील है, व्हील है, ठीक है। तो सड़क और व्हील के बीच में जो है वो फ्रिक्शन लगता है जिसके कारण हम जो है अपनी जो बाइक हो चाहे कार हो चाहे ट्रक हो उसको हम इजीली रोक सकते हैं। अगर टायर और रोड के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारी जो गाड़ी है वो रुकेगी नहीं, क्या होगा वो रुक नहीं सकती। तो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ठीक है साथियों, सभी स्टूडेंट्स क्लास 51 मिनट हो चुके हैं, चलिए हम लोग अपनी क्लास को यही स्टॉप करते हैं और यस सर, ठीक है, अगली जो है आज की क्लास को यही स्टॉप करते हैं। कल फिर 10 बजे हम लोग ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में बाकी जितने भी टॉपिक्स हमारे रह गए हैं उनको हम लोग कल क्लास में कवर करेंगे, जिससे सुपर एलिवेशन हुआ, डिज़ाइन स्पीड हुआ, है ना, और बहुत करीब काफ़ी अभी टॉपिक रह चुके हैं मार्जिन, तो उसको हम लोग कल जो है 10 बजे हाईवे की क्लास होगी उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग 10 बजे बिल्कुल पूरे करेक्ट 10 बजे लाइव रहा करो, ताकि हमारे जैसे ही हम वीडियो बनाएं या वीडियो जैसे ही लाइव स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे ही हम लाइव आएँ तुरंत आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, जिससे आप सभी लोग जल्दी से और समय से जुड़ेंगे तो हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग की जो क्लास है वो जल्दी और अच्छे से जो पूरा सिलेबस है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए, सभी को मेरा धन्यवाद, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और वीडियो और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, ओके, बाय, जय हिंद।